एक परिवार ने भाजपा विधायक और एक उद्योगपति पर सिविल लाइंस में स्थित एक संपत्ति पर जबरन कब्जा करने के प्रयास करने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस संपत्ति पर ये कब्जा करना चाहते हैं, पहले तो उसके फर्जी दस्तावेज तैयार करके रजिस्ट्री करवाई गई और उसके बाद भाजपा विधायक और उद्योगपति उस संपत्ति पर कब्जा करने के लिए गुंडे भेज रहे हैं। ये मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर भी हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। मामला रुड़की का है, जहां पीड़ित विपिन अरोड़ा ने बताया कि सिविल लाइन में लघुना होटल के नाम से एक रेस्टोरेंट है, जिस पर भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा और उद्योगपति शरद गुप्ता कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए गुंडे भी भेजे। विपिन अरोड़ा ने बताया कि जिस रजिस्ट्री के आधार पर ये कब्जा करना चाहते हैं, वो एक पारिवारिक बंटवारा है जो कि आज तक नहीं हुआ है। ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है, इसके बाद भी इन्होंने गुंडे को भेजकर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। जब हमने पुलिस को फोन किया, उसके बाद उनके गुंडे वहां से भागे। विपिन अरोड़ा ने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को विधायक और उद्योगपति से जान का खतरा है, हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। वहीं विपिन अरोड़ा के परिवार की एक महिला पलक अरोड़ा ने कहा कि हमारे परिवार को विधायक बत्रा से खतरा है, पहले भी हम पर इन्होंने अटैक करवाया था जिसके सबूत हमारे पास है। सिविल लाइन्स में मुख्य डाकघर के सामने हाउस नंबर 820 821 उसके एक छोटे से वार्ड में लघुना होटल के नाम से रेस्टोरेंट है, उस पर प्रदीप बत्रा जी और शरद गुप्ता जो कि छात्रवृत्ति घोटाले वाले हैं, उन्होंने अपने आदमी भेजकर कब्जा कराना चाहा। हमने उनको कहा कि आप कब्जा नहीं कर सकते, इन्होंने जो रजिस्ट्री का आधार बना के आपको कब्जा लेने भेजा है, उनका रजिस्ट्री करने का आधार पारिवारिक बंटवारा है जो कि आज तक नहीं हुआ। और ये कोर्ट इन तीनों रजिस्ट्रियों को लेकर हमने एक सिविल वाद कोर्ट में डाल रखा है। बत्रा जी और शरद गुप्ता और उनके दोनों बेटों को सम्मन नोटिस इश्यू हो चुके हैं, वो कोर्ट में जाके जवाब दे और वहाँ से कब्जे का ले आए और कब्जा ले ले जी। इस घटना के बाद तहरीर दे दी है, लेकिन उस तहरीर को देने के बाद भी रात को करीबन 10-15 लोग वहाँ लड़के इकट्ठे हुए, कहने लगे यह बिल्डिंग हमें किराए पे मिली हुई है। हमने कहा हमने आज तक तो किराए पे दी नहीं, कहता हम तो ताला तोड़ के अंदर जाएंगे। मैंने कहा आपको जो करना है कोर्ट से ऑर्डर ले आओ और ले लो। उसमें कुछ लोग शराब पिए हुए थे, उन्होंने कहा हम तो घुसेंगे और देखते हैं कौन रखता है, जो सामने आएगा उसे खत्म कर देंगे। इसको हमने फोन कर दिया था, पुलिस आई, उसके आने से पहले पहले वो सब वहाँ से गायब हो गए। छोटे छोटे बच्चे हमारे, हमें बत्रा जी से खतरा है और पहले भी बहुत अटैक करवा चुके हैं वो हम पे, हमारे पास सब वीडियो वगैरह सब कुछ है। रात को अगर हमारे डॉगी को भी बाहर घुमाने जाते हैं तो दो भाई दोनों जाते हैं ताकि अटैक ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए, सब कोर्ट के थ्रू ही होगा। पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह हमें कुछ नहीं मिल रहा। वीडियो वगैरह है जो संडे के बाद झगड़ा हुआ है, संडे को रात को 10-12 लड़के आए हैं, बदतमीजी करी है, उसमें से एक शराब पिए हुए लड़का था। फिर मैंने अपनी मदर को फोन किया है, वो आई है, फिर उन्होंने समझाया है। इस मामले को लेकर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि संपत्ति का पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जो लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये लोग राजनीति से प्रेरित हैं और राजनीतिक लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। योग्य राजनीति तो नीति बनानी चाहिए, काम करने की नीति बनानी चाहिए, कर्म करने की नीति बनानी चाहिए, जनता की समस्या समाधान करने की। जनता जब जनप्रतिनिधि चुनती है तो इसे चुनती है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा, हमारा शहर अच्छा होगा, ग्रीन ग्लीट स्मार्ट सिटी बनेगा, मॉडर्न सिटी बनेगा, हमारे बस स्टैंड, हमारे रोड्स की कनेक्टिविटी, हमारे स्टेशन अच्छे होंगे। तो इन कारणों पे हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार 15 साल से काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 सालों में देश को कहाँ से कहाँ लेकर आ गए। आप देखिए हाईवेज हमारे बन गए हैं, रोड्स बन गई हैं, स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है, अभी परसों उद्घाटन हुआ, 29 करोड़ में मंजूर हुआ है। तो इन कार्यों पर ध्यान दें, मैं समझता हूँ इन कार्यों की चर्चा करें, इन कार्यों के बारे में लोग आगे आए, हम लोगों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, इसको लेकर प्रेस करें, हम जवाब देने को तैयार। मामला कोर्ट में है, जो लोग प्रेस कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं और राजनीतिक व्यक्ति उसका लाभ उठा रहे हैं। और जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट का जो फैसला होगा मुझे मंजूर है और कोर्ट में जाने के बाद मैं समझता हूँ कि टिप्पणी करना उचित नहीं है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।